दोस्तों कई दिन से मेरे पास ये स्क्रीन प्रोटेक्टर रखा हुआ है और मैंने इसको लगा नहीं पाया MI A3 के अंदर। मैं इसीलिए इंतजार कर रहा था, जब ये फोन मैंने परचेज किया था क्योंकि इमीडिएट मुझे मिल नहीं पाया था, क्योंकि मैं मार्केट जा नहीं पाया था लेने। अक्सर मैं कोई भी मोबाइल का कोई प्रोडक्ट होता है, कुछ पार्ट वगैरह होता है, एसेसरीज होता है, मैं करोलबाग चला जाता हूँ, क्योंकि वहां पर सस्ते में मिलता है जो भी कोई सामान। और आप अगर दिल्ली से हो, आपको पता ही होगा करोलबाग में आपको अच्छे अच्छे चीज मिल जाते हैं जो कि चीपली। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने वेट कर रहा था इसका स्क्रीन कब टूटेगा। अभी 2 दिन पहले लड़के ने कुछ वीडियो देख रहा था, तो टॉम एंड जेरी, उस बीच में नेट खत्म हो गया था, जियो नेट जो कि पर डे का खत्म हो गया था, तो उसने क्या किया, उसको उठा के ऐसे फेंक दिया। शुक्र मनाओ बेड के ऊपर था, लेकिन उसके नीचे ना जो टीवी रिमोट वगैरह कुछ रखा हुआ था उसी के ऊपर गिरा। तो जैसे गिरा शायद यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक हो गया था हल्का सा, यानी कि वो स्क्रीन गार्ड। फिर मैंने उसको उतार फेंक दिया। मैं कहा छोड़ो यार, मैं जो लाया था उसके लिए देखता हूँ, उसको बना के बताऊंगा लोगों को। ये वाला प्रोडक्ट जो है मैंने इसके लिए परचेज किया हूँ, MI A3 के लिए। ये जो है मुझे अराउंड 50 रुपीज करीब मिला, बहुत ज्यादा है, 50 रुपये हो सकता है, बट ये सस्ते में मिला मुझे। अभी देखते हैं इसको लगा के, इसके अंदर प्रोक्सीमेटी सेंसर यानी कि कॉलिंग करते टाइम ये जो सेंसर इसका वायर करता है कि नहीं इसको लगाने के बाद। और वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप पेशेंस रख के देख लेना। एक अच्छा सा चीज लिखा हुआ है, अनब्रेकेबल प्रोटेक्शन। तो ये जो लिखा है ये टेक्नोलॉजी फ्रॉम USA। इसको मैंने परचेज किया था, मैंने किया था उस टाइम 4-5 फोन के लिए इकट्ठा लिया था, तो उसमें लगभग इन सारे फोन में लग गया था, सिर्फ MI A3 में नहीं लगा था, और घर में 2-3 फोन और है और उस पर लग गया था, बट इस पर नहीं लगा था। मैंने जानबूझ के रुका था, मैंने जब वो टूटेगा तब लगाएंगे। देखिए इस टाइप का आता है डबल प्रोटेक्टिव, जो दोनों तरफ ये खुल जाएगा, ये लगा हुआ है। आप इसको बैक तरफ और ऊपर तरफ दोनों तरफ फ्रंट यानी सेकंड लिखा हुआ है और फर्स्ट, तो इस टाइप का फर्स्ट इसको हम रिमूव करेंगे, चिपकाएंगे, और उससे लगने के बाद बढ़िया से फिक्स होने के बाद फिर इसको सेकंड वाला उतार देंगे। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, देखिए मूवेबल हो रहा है, आपको ज़्यादा मोटा भी नहीं है, और इसके अंदर क्योंकि गोरिल्ला ग्लास 5 है तो इसके ऊपर थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए ताकि स्क्रीन में कोई क्रस्ट ना आ जाए। आप बढ़िया से इसको साफ कर देना, घर में कोई छोटा मोटा कपड़ा बड़ा हो गया, रूमाल लेके। मैंने आपने ये कवर वाला देखा होगा, उस दिन से मेरा चल रहा है, काफ़ी बढ़िया कवर है, लगभग मेरे सारे फोन में वही यही कवर है। ये Redmi K20 Pro के अंदर भी यही है, पिछले दिनों वीडियो बनाया था, अभी तो वीडियो शूट हो रहा है उसके अंदर भी यही है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भी आप चेक कर सकते हो, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ढूंढ के दे दूंगा, बट आप ऑफलाइन में भी ले सकते हो यही वाला आप चेक करके। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं वॉश कर देता हूँ इसको, अब इसके अंदर सेट करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने बता दिया था, फर्स्ट इसको आप उतारना है, उतार के आपको सेट करना है नीचे। इसको लगाने के बाद आपके पास अगर वाइपर वगैरह है वो चल जाएगा, और इसको भी आप रन कर सकते हो क्योंकि इसके ऊपर एक परत है वो भी हट जाएगा सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट का यूज करते हैं, और फोन को बढ़िया से स्टील करने के लिए, आप अगर फोन हिल जाएगा तो दिक्कत होगा, इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैंने पिछले दिनों परचेज करके रखा था, कहीं भी फोन आप रखो कभी हिलेगा नहीं, अगर इसको नीचे लगा देते हो फोन अपनी जगह पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। इसको रख के ये लगा देते हैं, इसको यहाँ से उतार दो। ये थोड़ा जेल टाइप का है, कहीं बाइक वगैरह में है या कार वगैरह में रखे हो, ये सेट हो गया। अब इसके ऊपर सेट करने के लिए मुझे इसको फिक्स करना है, बस अब फोन हिलेगा नहीं, बड़े कस के हिलाओगे तब तो हिल जाएगा। इस बीच में फोन के ऊपर आप यहाँ दिखा सकते हैं, तो यहाँ से बड़े आराम से इसको सेट करके रखना है। फर्स्ट जो है पहला वाला को रिमूव करना है, यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसको यहाँ से हटा दिए। हटाने के बाद आपको यहां से बराबर इसको रखना है, ये थोड़ा छोटा पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक देखिए सेट हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, तो अपना आप हो गया, जो भी थोड़ा बहुत है वो यूज करने के बाद ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। अब यहां से आप अपने हिसाब से रगड़ाई घिसाई जो भी कर सकते हैं ली जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये होने के बाद आपको ये वाला पर्द जो है इसको धीरे से उखाड़ना है, ठीक है। यहां से एक परत है लेकिन वो चेक करना है कि आपके पास है ना, हल्की सी उखड़ना पड़ेगा, देखो नहीं तो ब्लू टाइप का रह जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा यहां चेक करना पड़ेगा, एक पन्नी होगा इसके ऊपर, यहां देखिए एक छोटा सा पन्नी है जो कि आपका यहां से उखड़ा नहीं, थोड़ा सा नाखून रगड़ने से वो निकल जाता है। अगर उसको नहीं निकालेंगे आप वो दिक्कत क्रिएट करेगा, मैंने पता है, मुझे पिछले 2 फोन में मैंने सेट किया था, तो इसीलिए मुझे पता है कि इसके अंदर छुपा पड़ा है। अगर मैं नहीं लाऊंगा तो स्क्रीन जो है ना डिम आ रहा है, तो अगर ये इसको मैं उखाड़ता नहीं ये तो कहीं भी पता नहीं चलेगा कि सच में इसमें लगा है नहीं लगा है।
इसको आप धीरे से यहां से उखाड़ लीजिए, आप देखिए इसका नजारा, ठीक है समझ पा। इसका जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है काफी जबरदस्त है, बहुत बढ़िया रन करता है, स्मूथली रन होता है। अब हम देखेंगे कॉल आने के टाइम, जो मैं किसी को डायल करता हूँ, जैसे मैंने सेल्फ मैं अपने नंबर को ही डायल कर रहा हूँ, डायल करने के बाद मैं देखता हूँ इसको, देख पा रहे हैं आप, मैं अगर इसी पे ले रहा हूँ ऑटोमेटिक, जो जब ये डायलिंग चल रहा है, अभी डायलिंग हो रहा है, तो मैंने सेंसर के ऊपर लिया हाथ तो ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। देखिए ये बढ़िया वार करता है, और मैंने तो एक ही बार में एकदम सही लगा दिया। ठीक है चलो, आपका काम हो गया, ठीक है। अब वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ये लिंक में दे दूंगा कोशिश करके, और बढ़िया लग रहा है, प्लेन लग रहा है पूरा, और एकदम सही बैठ गया। बस ये था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक ले बाय, टेक केयर, बंदे मातरम।